पंजाब कांग्रेस में अब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के बागी सुर देखने को मिल रहे हैं। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने अपने चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें कांग्रेस मानसा से टिकट नहीं देती तो वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे और मानसा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाल ही में चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के अब बागी सुर देखने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का दामन थामने के बाद जहां सिद्धू मूसेवाला को विरोध का सामना करना पड़ रहा था, वहीं अब उनकी ऐसी बयानबाजी सामने आई है कि वो कांग्रेस से नाराज नजर आ रही है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने बड़ी बात कह दी है। दरअसल कांग्रेस में मानसा के कुछ टकसाली नेता पहले से ही सिद्धू मूसेवाला का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते अब सिद्धू मूसेवाला ने कहा है कि अगर उन्हें कांग्रेस ने मानसा से टिकट ना दी तो वो आजाद लड़ेंगे, लेकिन मानसा छोड़कर नहीं जाने वाले। मूसेवाला ने हर हालत में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इन दिनों लगातार मूसेवाला मानसा में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने एक मंच से साफ कर दिया कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे और अगर उन्हें कांग्रेस टिकट नहीं देती तो वो आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और अपना हल्का मूसेवाला मानसा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कट्ठे कौन नहीं है मैं दसो सारे तुम्हें दसो इतने घट्टो घट आओ नेड़े तेड़े दे, दस पिंड दे बंदे आए हुए ने कि कट्ठे नहीं यार आगुआ दे आपसी बखरे में हो सकते ने इहदा मतलब ये थोड़ी भी लोग आपस च फटे हुए ने लोग तो साडे नाल ने अज भी सो आगुआ ने वोटा थोड़ी पाउणी है वोटा तो लोगों ने पाउणियां ने बाकी आगू भी कोई ना कोई किसी का बखरेवा हो सकता वो अगले का हक है वो करन दे उन्होंने हाँ हाँ 100% पक्की है पहला मैं कदे कही नहीं सी हुण मैं कह हाई कमांड ने नहीं टिकट दित्ती फिर हाई कमांड देखो जी इन्ना क थोनू मेरा भी पता है ठीक है ना सारी दुनिया को पता है वो बाकी आप हाई कमांड से अपन भरोसा पूरा कोई नहीं देंगे डेट देखांगे कि जो नहीं देखांगे वह जहाँ देखांगे फिर ठीक है बाकी गल ये है भी असल दे विच मैं कहना नहीं सी चाहुंदा कई लोग हवावां उड़ा रहे ने जी इत्थे तो मानसा छड्ड जू मेरी कर्म भूमि है इत्थे मैं जन्म लिया है कोई किसी का किसी च इन्नी ताकत नहीं मैं इत्थों चढ़ा सके सो अज मेरा यह गल कहने का मतलब यह नहीं भी मैं कोई टिकट लड़नी चाहुंदा जां कुछ होर पर लोग हवावां उड़ाउंदे तां जी मानसा छड्ड देणगे तां ऐ कर देणगे डरन डराउन तो मैंने सारी दुनिया ने डराउन में जोर ला लिया मैं तो उदो डरिया कहो जी गल ने भी ए मेरे पिंड ने मेरा इलाका है किसी का कोई ठेका थोड़ी लिया हुआ सारे इलाके मैं किसी की जिंदगी से कोई ठेकेदार नहीं लगे हुआ तो ना मेरी आदत है भी मैं लोगों को रोकूँ भी फलाने की बस च नहीं चढ़ना जे मेरे मन के कोई पाप पुन हो मैं बसा रोका मैं कह क्यों जाने पर साड़ी इन्नी नैरो माइंडड सोच नहीं हैगी असं चाहते हैं भी सारे रैलियां जाओ यार जिते थोड़ा दिल करता वोट पर जिन्होंने टिकट मिलती उन्होंने पाओ वोट असी क्यों रोकीए जे विकास देखना ना मेरा वीर घंटा कर पिंड आई मैं तुम्हें विकास दिखावा किसी मार के ठीक है बाकी जो कल्चर पैदा हुआ चिट्टे कुर्ते पजामे वाला मेरे भी 500 कमाई पाने में पर है नहीं पाई नहीं ऐसा क्यों नहीं पता क्योंकि जब चिट्टे पा लेने ना तो दाग लगन का तो भी ज्यादा खतरा है हमें मैं पिंडा भी तुरै फिर ये कपड़े पाई क्योंकि मैं समझना चाहना भी ग्राउंड सिचुएशन की है इतने इतन लीडर की नहीं जितने चिट्टे पार का टाइम आया तो शोर लग लगे चिट्टे भी पावे बाकी वक्त है ना मैं जारी गल ग्रंटा ग्रंटा का जरूरत में पता सी इन देखना बाकी एक तो सड़क का मतलब जी सड़क जी जरूरत है उनका कहना है कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं कि वो अपना हलका छोड़ जाएं लेकिन ऐसा नहीं होगा जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये वो तंज मानसा के टकसाली नेताओं पर मार रहे हैं। जब से सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में प्रवेश किया है तभी से टकसाली नेता मूसेवाला का खासा विरोध कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का कहना है कि नेता अलग हो सकते हैं लेकिन लोग एकजुट हैं और मानसा के लोग मेरे साथ हैं इसलिए मैं अपना हलका छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में अपने हलके से चुनाव लड़ूंगा और लोगों का विश्वास जीतूंगा। न्यूज डेस्क, डेली इंडिया न्यूज़।